एंग्जायटी डिसऑर्डर एक मेंटल हेल्थ परेशानी है। आज हमारे देश में बहुत सारे लोग इससे बीमार हैं। चिंता, घबराहट, बेचैनी, बिना वजह से चिंता करना, नेगेटिव विचार आना, पसीना आना, ये उसके लक्षण हैं। ये एक ऐसी बीमारी है कि जो अच्छे खासे दिखने वाले लोगों को भी बहुत परेशान कर रही है। अंदर बाहर से दिखता तो कुछ नहीं, मगर अंदर से ये लोग बहुत परेशान हैं। एंग्जायटी डिसऑर्डर हमारे देश में बहुत तेज़ी से फैल रही है और टीनेजर बच्चों को लेकर बड़े उम्र तक जो लोग हैं उनको भी ये परेशान कर रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के अनुसार भारत में एंग्जायटी डिसऑर्डर ये बहुत तेज़ी से फैलने वाली एक बीमारी हो रही है। आज हमारे देश में करीब करीब 4 करोड़ युवा ये बीमारी से परेशान हैं, इससे चपेट में आए हुए हैं, और इसमें से सिर्फ 40% लोग इसकी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्योंकि लोगों को मालूम भी नहीं है कि इसकी ट्रीटमेंट है और वो साइकोलॉजिकल बीमारी है। क्या होता है कि एंग्जायटी डिसऑर्डर के लक्षण जो होते हैं वो होते हैं शारीरिक, और वो जाते हैं फिर फिजिशियन के पास में, जनरल फिजिशियन के पास में, फैमिली फिजिशियन के पास में जाते हैं, उनको कुछ दवाई देते हैं, टेम्पररी आराम मिलता है, बीमारी हटती नहीं है। तो देखिए कि इसमें क्या होता है कि छोटी छोटी बात के ऊपर बहुत घबरा जाता है व्यक्ति, हाथ कांपना, डर लगता है, पसीना आता है, और सामान्य बात होती है तभी भी बहुत बेचैनी लग जाती है, डर बना रहता है, और छोटी छोटी बात के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल आदमी को लगता है, बहुत तनाव आया उसको लगता है, बहुत प्रेशर है, ऐसा दिमाग का ऐसा पकड़ के रखा हुआ है, जगड़ के रखा हुआ है, कुछ सूझ नहीं रहा है, कन्फ्यूजन ऐसा उसको लगता है, बहुत ज़्यादा बेचैनी है, सांस लेने में तकलीफ होती है, पाचन प्रक्रिया जो है वो ढीली हो जाती है, आराम से हो जाती है, इसलिए फिर पाचन आदमी को नहीं होता है, दिल की धड़कन से धड़ 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 उसको इतना होता है कि उसको लगता है कि मैं मर जाऊंगा। सब तरह की जांच करने के बाद में भी उसमें निकलता कुछ भी नहीं है, मगर उसको लगता है कि मेरा दिल धड़क रहा है, मतलब डॉक्टर गलत है या उनकी मशीनें गलत है और मेरी डायग्नोसिस बराबर नहीं हो रही है। पसीना तो इतना आता है कि छोटी बात के ऊपर लोगों को पसीना आता है, फिर बोलने में हकलाना चालू कर देंगे वो, भूख नहीं लगेंगी, निगेटिव थाट और ओवर थिंकिंग के जरिए फिर उनको बहुत सारी शारीरिक बीमारियाँ हो जाएंगी। ये लोगों को, मतलब 50% लोगों को इसमें से नींद पूरी होती नहीं है, और नींद पूरी होती नहीं है इसकी वजह से फिर एंग्जाइटी भी बढ़ जाती है। फिर होता क्या है कि ये जो नींद पूरी हुई नहीं है, एंग्जाइटी है, उसकी वजह से 86% लोगों को इसमें कुछ ना कुछ शारीरिक बीमारियाँ हो जाती है और वो बढ़ जाती है, जैसे कि उसमें पाचन प्रक्रिया है। अब ये जो है ये देखना है कि इसका इलाज क्या है, सोल्यूशन क्या है, क्योंकि लोग इतना परेशान है। इसमें भी अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि एक प्लेन एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकती है, एक फोबिक डिसऑर्डर हो सकता है, मतलब फोबिया मतलब कोई भी चीज़ का बहुत ज़्यादा डर। डर तो हमको सब बात का आता है, ऐसा नहीं कि डर नहीं आता है, सभी को आता है, मगर कुछ चीज़ का इतना ज़्यादा डर कि काम नहीं कर सकेगा। और एक उसका प्रकार है पैनिक अटैक। पैनिक अटैक आता है, मतलब क्या होता है कि इसमें इतना ज़्यादा सिम्टम्स आ जाते हैं, अटैक आ जाता है कि उस वक्त की बस अभी मैं मर जाऊँगा, इतना ज़्यादा तेज़ धड़कन और घबराहट बेचैनी, उस वक्त की मेरे को अटैक ही आ गया। तो ऐसे अलग अलग उसके उसके टाइप्स है। अब ये ओवर थिंकिंग तो इतना लोगों को होता है इसमें कि वो काम ही नहीं कर सकते। फिर छोटी छोटी बात के ऊपर रोना आना, सेंसिटिविटी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, किसने कुछ भी बोल दिया तो उनको बहुत दिल को लग जाता है, फिर दिल को लग जाएगा फिर रोना आ जाएगा, किसी ने कुछ भी कमेंट पास दिया उनको लगता है कि देखो मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं, ऐसा बहुत ही सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। घर में बच्चा लेट आया 5 मिनट भी तो उनका दिल धड़कना चालू हो जाता है, पति लेट आ गया तो उनका धड़कना चालू हो जाता है कि क्या हुआ, क्या कुछ एक्सीडेंट नहीं हुआ, मतलब बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते जाएंगे। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है, एक तो बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो ट्रीटमेंट लेना, दवाइयाँ लेना। तो एंग्जियोलाइटिक्स दवाइयाँ हैं, एंग्जियोलाइटिक मतलब एंग्जाइटी कम करने वाली दवाई। अब इसके साथ में यदि डिप्रेशन है एंग्जाइटी के साथ में, क्योंकि करीब करीब हमारे देश में 15% लोगों को एंग्जाइटी है, 15%, और 15% लोगों को ही डिप्रेशन है। अब देखो ये 15 और 15 30, तो ये 30% नहीं है, वो मिक्स भी है, मतलब ओवरलैपिंग भी है। एवरेज में देखा जाए तो ये सब मिला के 20-25% लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है और कुछ तो भी है। तो इसका इलाज क्या है? उसका इलाज है एंग्जियोलाइटिक ड्रग्स, जो बेंजोडाइजेबिन्स है, बेंजोडाइजेबिन्स देते हैं तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। इनको हाथ कांपना, पसीना तर हो जाना, दिल धड़कना, उसके लिए फिर बीटा ब्लॉकर्स है। जैसे अलग अलग दवाइयाँ, वो दवाई देना है। बिना दवाई का इलाज यदि करना है तो हम करते हैं हिप्नोथेरेपी द्वारा। हिप्नोटिज्म एक ऐसा उपचार है, ऐसा उपचार कि जो उपचार बिना दवाई का है उसमें हम रिलैक्स करने लगाते हैं। मेरे अलग अलग वीडियोस यूट्यूब पर है, रिलैक्स करने लगाते हैं, पूरा बदन रिलैक्स करना, मेंटल रिलैक्स करना, मन पूरा रिलैक्स करना, उसमें विजुअलाइजेशन करना, अफर्मेशंस देना, ये सब हम करने लगाते हैं जिससे
बहुत ज़्यादा फायदा लोगों को होता है, अलग अलग लोगों को इनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है और बिना दवाई का हुआ है, क्योंकि हमको एक समस्या जड़ से निकालनी पड़ेगी। क्या होता है, लोग साइकेट्रिस्ट के पास में जाते नहीं, बोलते कि हम पागल हो गए, हमको जाना है वहाँ। साइकेट्रिस्ट के पास में जाना मतलब पागल है, ऐसे हमारे देश में आज भी लोगों की फहमी गलत फहमी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो इसलिए जाते नहीं है, जाएंगे फिजिशियन के पास में, वो कुछ तो भी दवा देंगे, जड़ से इलाज होगा नहीं और ज़िंदगी भर गोली खानी पड़ेगी, और गोली खाते हैं तो उसका फिर बुरा असर भी है, साइड इफेक्ट्स भी है। तो मेरा तो रिकमेंडेशन ये होगा, तो आपने कंसल्ट करना है। इसमें हम CBT करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, साइकोथेरेपी करते हैं, काउंसिलिंग, हिप्नोथेरेपी करते हैं, हिप्नो काउंसिलिंग, ये सब तरह का इलाज बिना दवाई का होता है। उसमें एक ही है कि आपको 4 से 6 महीने कंसिस्टेंटली इलाज करना होगा। ऐसा नहीं मैंने एक सेशन किया मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ बस छोड़ देता हूँ, ऐसा करेंगे तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है। जो लोग बोलते हैं बस हमारे पास में 1 घंटा है हमको ठीक करो, बोलता भी मत करो, 1 घंटे में ही होता है। तो जो बीमारी 2-3 साल से 4 साल से आप पालन पोषण कर रहे हैं, वो हफ्ते में 2 हफ्ते में कैसे ठीक होंगी, उसको टाइम लगेगा। तो कंसिस्टेंटली चिपक के इलाज करना होगा। मेरे जैसे हिप्नोथेरेपिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट जो है वो जो बोलते हैं उनका पालन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आप इससे मुक्तता पा सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।